हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड ग्रामीण बैंक में जॉब पोस्ट आई हुई है एज अ एम्पैनल एडवोकेट के लिए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है झारखंड ग्रामीण बैंक में ये जॉब पोस्ट और क्या है झारखंड ग्रामीण बैंक। लीगम, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे लीगल फील्ड से रिलेटेड किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। द झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इज द रीजनल रूरल बैंक। द बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 विद द एमलगमेशन ऑफ द अस्टवाइल वनांचल ग्रामीण बैंक एंड झारखंड ग्रामीण बैंक अंडर द प्रोविजन्स ऑफ RRB एक्ट 1976। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करते हैं। एंड द पोजिशन फॉर द जॉब इज़ द एडवोकेट पोजिशन। क्वालिफिकेशन की बात करें, द झारखंड ग्रामीण बैंक इज़ अ रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाई द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद द हेड ऑफिस एट रांची। केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 पोस्ट अमेलगमेशन ऑफ द टू बैंक, दैट इज झारखंड ग्रामीण बैंक एंड द वनांचल ग्रामीण बैंक। द बैंक हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 443 ब्रांचेज एंड 8 रीजनल ऑफिसेज इंक्लूडिंग 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द झारखंड। इसमें एक्सपीरियंस की बात अगर हम करें तो आपको इसमें द एडवोकेट शैल पोजेस अ डिग्री इन लॉ एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज यू नो एंड एनरोल्ड विद द रिस्पेक्टिव बार काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसके बारे में अगर हम देखें तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द प्रैक्टिस एट द बार एंड द अप्लीकेंट शुड बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द कोर्ट प्लेस्ड इन द रीजन फॉर विच ही सी इज अप्लाइंग एंड द एडवोकेट शुड हैव द एक्सपर्टीज इन डॉक्यूमेंटेशन टाइटल सर्च बैंकिंग लॉज रिकवरी लिटिगेशन बिफोर द कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सरफेजी एक्ट कंज्यूमर फोरम केसेज क्रिमिनल कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड अ सर्विस मैटर इन रिफरेंस टू द बैंकिंग सेक्टर फॉर द हाई कोर्ट केसेस। तो आपको ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है कि आप सब इसमें एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, तभी आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए कि इसमें और क्या है, द एडवोकेट शुड बी ऑफ अनडाउटेडली लीगल एक्यूमेन एंड अनब्लेमिश्ड इंटीग्रिटी एंड नॉट बी पैनल्ड फ्रॉम एनी अदर बैंक फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन से। आप किसी भी बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप जो है डिपैनल ना किए गए हों, ये भी रिक्वायरमेंट है इस जॉब पोस्ट के लिए। एंड द डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इज द लेंथ ऑफ प्रैक्टिस एंड स्पेशलाइजेशन इन द एरिया ऑफ लॉ बेनिफिशियल टू द बैंक एंड द एम्पैनलमेंट विद अदर बैंक इंक्लूडिंग एस्टवाइल द बैंक FIs PSUs एंड द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एट्सेट्रा। प्रॉपर एंड एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लैंडलाइन फोन इंडिपेंडेंट ऑफिस स्पेस इंटरनेट कनेक्शन नंबर ऑफ जूनियर्स एडुकेट्स अटैच्ड क्लर्क एट्सेट्रा आर द डिज़ायरेबल फॉर दिस जॉब पोस्ट। एंड द अगर हम इस जॉब पोस्ट के लिए एज लिमिट देखें, द शेड्यूल ऑफ द फीस एंड द चार्जेस पेएबल टू एडुकेट्स सेल बी एज पर द बैंक्स एक्सटेंड गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज लिमिट भी कोई इसमें फिक्स्ड एज लिमिट नहीं बताई गई है, तो आप सिर्फ एडवोकेट होने चाहिए और आपको डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब पोस्ट के लिए। इस जॉब पोस्ट का लोकेशन क्या होगा, द लोकेशन विल बी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक हेड ऑफिस 3rd फ्लोर मार्केट कॉम्प्लेक्स जिला परिषद ऑफिस प्रीमाइसेस कचहरी रोड रांची। अगर हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, द ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक हुज एप्लीकेशंस आर शॉर्टलिस्टेड बाय द फॉर द एम्पैनलमेंट। द एप्लीकेंट्स हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर एम्पैनलमेंट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक। फर्दर सच एप्लीकेंट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपैरेटिव पोजीशन फॉर देयर एप्लीकेशंस विद दैट ऑफ अदर्स। कि जो है इस एम्पैनलमेंट के सिलेक्शन के लिए ये सारा सोल एंड एब्सोल्युटली डिपेंड करता है बैंक के डिस्क्रिशन पे कि आपको सिलेक्शन होता है या नहीं, ये बैंक के एम्पैनलमेंट डिसाइड करेंगे। द बैंक एट इट्स सोल डिस्क्रिशन इफ रिक्वायर्ड मे कॉल द एप्लीकेंट फॉर द इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशन बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बिफोर द शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको कॉल किया जा सकता है, बैंक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास आपको सेंड कर सकती है एज अ फॉर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन एंड द इंटरव्यू। द एप्लीकेंट्स विल हैव टू बियर देयर ओन कॉस्ट फॉर सच इंटरेक्शन प्रेजेंटेशन। द बैंक्स डिसीजन इज
दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। अगर आप देखते हैं क्या प्रोसीजर इस एप्लीकेशन के लिए, तो द लास्ट डेट फॉर दिस एप्लीकेशन इज 3 मई। तो आपको अगर अप्लाई करना हो, अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप 3 मई 2022 के पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एनी नोटिस पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बैंक इज, और आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये गिवन वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे इस बैंक के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जॉब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहाँ आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इस जॉब पोस्ट के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप सर्च कर सकते हैं कि क्या जॉब पोस्ट है। साथ ही वीडियो अगर आपको बेनिफिट प्रोवाइड हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही अपना ओपिनियन और कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।